वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे जनरल नॉलेज के 25 इम्पॉर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल सभी इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला सवाल आपके सामने, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकेंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर टू, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिनका आंसर डी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर तीन, विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है? जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2/3। क्वेश्चन नंबर फोर, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न से संबंधित है? ये जनवरी 2017 में शपथ लिए थे। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, पुर्तगाल राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव, वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं यानी कि WBC और लाल रुधिर कोशिकाओं यानी कि RBC का औसत अनुपात होता है? जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। राइट आंसर है A:600। ओके, 1:600 होता है यानी कि आपका WBC 1 तो लाल रुधिर कोशिकाओं 600 औसतन अनुपात होता है। क्लियर है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। जिनका सी आंसर है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर सात, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। लिटमस निम्न से मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर एट, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है? राइट
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुशेह अंसारी। क्वेश्चन नंबर 9, पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल मैच कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 11, जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुवैत। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइजर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? सवाल अच्छे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम। क्वेश्चन नंबर 14, किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जहाँ जम्मू कश्मीर स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झेलम। क्वेश्चन नंबर 15, दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म दिखाई गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदगति। क्वेश्चन नंबर 16, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 17, घाघरा का युद्ध लड़ा गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबर एवं महमूद लोदी के मध्य जिसमें बाबर विजय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है?
सवाल अच्छे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मंत्री के इक्विवेलेंट होता है, समकक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 20, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था। सवाल अच्छे हैं। राइट आंसर यदि आपने सी दिया है तो सही है, 36वें संशोधन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21, किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? सवाल बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 22, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? यदि आपका आंसर सी है तो राइट है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1957। क्वेश्चन नंबर 24, गोल कृमि से होने वाला रोग है, गोल कृमि से होने वाला रोग है। सवाल बिल्कुल बहुत अच्छे थे इसके टेस्ट के। आपका स्कोर क्या हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइलेरिया। क्वेश्चन नंबर 25, पीतल मिश्रण है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्ता और तांबा का। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल है, यदि आप जवाब बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर। भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर। सवाल इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। जल्दी से कमेंट करिए और जो कमेंट करेंगे उन्हें स्पेशल रिस्पॉन्स मिलेगा हमारी टीम की ओर से। और यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप और भी वीडियो देख सकते हैं। आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी के साथ साथ रोजाना हमारे वीडियो को देख लिया करें। हमारे वीडियो के जो क्वेश्चंस होते हैं वे आपके सिलेबस के होते हैं और आगे पूछने योग्य क्वेश्चन को ही सेलेक्ट करते हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।